owes to F the following sums. What are they? 5,000 due on 10th March, 18,000 due on 2nd April, 60,000 due on 30th April, and 2,000 due on 10th June. He desires to make full payment on 30th June with interest at 10% per annum. Find the average due date. Find out the average due date and the amount of interest. Okay, so again a interesting sum, because you have to calculate interest. Aaya samajh mein? क्या लिखोगे पहले? ड्यू डेट, फिर अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, कैलकुलेशन ना. देन फ्रॉम जीरो डेट एंड देन प्रोडक्ट. ओके, व्हाट इज द ड्यू डेट? टेन थ्री 99. नो, कितना रुपीस? 5,000. Then 2nd April 18,000. 30th 4 99 kitna? 60,000. Then anything else? 10th 4 na? 10th June 99 kitna? Follow this. Now calculation of days. Zero date kya hai? 10th March 99 zero date hai. क्या आएगा? जीरो डेट, जीरो. देन ईयर 20 प्लस 21 प्लस 2 दैट विल बी 23. देन 21 प्लस 30, नो 51. फिर 21 मार्च अप्रैल 30 प्लस 31, नो मई प्लस 10, हाउ मच? 92. फॉलो दिस. प्रोडक्ट कितना? 5,000. 23 इंटू 18, 4,14,000. देन 51 इंटू 60,000, तो देन 2,000 इंटू 92, 1,84,000. Total will be 36 lakhs. And here total amount will be 85,000. No. Now what will be the average due date? Average due date is equal to 36,58,000. Divide by 36,58,000. Divide by what? 85,000. Okay,
36,58,000 डिवाइड बाय 85,000 हाउ मच इट इज 43 डेज है ना। एवरेज ड्यू डेट क्या होगा, व्हाट विल बी टेल मी, इट विल बी 10th प्लस हाउ मेनी डेज, सो इट विल बी अप्रैल मार्च में कितने जाएंगे 21 एंड तो एवरेज ड्यू डेट इज फॉलो दिस देन पेमेंट इज मेड ऑन विच डेट, पेमेंट इज मेड ऑन 30th जून। नाउ इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज। अभी क्या करेंगे इंटरेस्ट, देखो 30th जून को दे रहा है, अप्रैल में कितने दिन बाकी है 8, मई 31, जून 30, टोटल डेज हाउ मच 69 डेज, कितना डेज इंटरेस्ट क्या होगा 85,000 इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू हाउ मच 69 डिवाइड बाय 365 नॉट 366, इट्स नॉट अ लीप ईयर 1607, ओके। तो यू गॉट द एवरेज ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट फैक्टर,